देखो जी जिहड़े तख्त श्री हजूर साहब के एक गैर सिख नूं जो है उत्थों दे बोर्ड का मैंबर बनाना अज उस चीज़ के अगेंस्ट इत्थे प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिख स्टूडेंट फैडरेशन गरेवाल वालों और इस्त्री अकाली दल वालों। गल इत्थे इवें है कि असी सारे धर्मां की बराबर इज्जत करते हैं पर गल यह होंदी है कि जो सिख सिद्धांत ने जे असी गल करिए कि 25 सितंबर 1956 तो जो एक नोटिफिकेशन हजूर साहब दे जारी होया सी बोर्ड दे विच उहदी अमेंडमेंट करके तो इन्होंने मतलब कानून दीआं जिहड़ीआं तज्जियां उड़ाईआं गईआं मतलब कोई कानून नहीं है कोई चुनाव नहीं है कि असी किसी नूं भी चुक के प्रबंध दे दईए। गल अज इत्थे हैगी कि सिख सिद्धांतां दे नाल जिहड़ीआं बाहरलीआं शक्तियां ने सिख विरोधी शक्तियां अज सिखां नूं तोड़न की कोशिश कर रही सिख सिद्धांतां नाल छेड़छाड़ कर रही उसके विरुद्ध असी अज एक आवाज़ बुलंद की है कि असी यह चीज़ बर्दाश्त नहीं करांगे कि सिख धर्म के नाल या सिख सिद्धांतां दे नाल जो छेड़छाड़ की जाए। जे असी गल करिए अज असी राम मंदिर की गल कर लीए जे राम मंदिर के विच किसी सिख नूं तुसीं प्रबंधक अपॉइंट कर देंदे हो कि उस जिहड़े हिंदू जिहड़े सिद्धांत ने उन्हां नूं फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इवें ही सेम सिखां दे भी सिद्धांत ने जिथे अगर तुसीं किसी गैर सिख नूं करदे हो अपॉइंट तो उन्होंने सिख सिद्धांतों बारे कोई नॉलेज नहीं है वह मतलब वो प्रबंध किवें चलणगे। उस तो पहले जिहड़े प्रबंध चल रहे थे बे मतलब बखूबी प्रबंध चल रहे थे चाहे असी एस पी सिंह जी की गल कर लिए बहुत वधिया प्रबंध चला रहे थे चाहे असी पशरीचा जी की गल कर लिए बहुत वधिया प्रबंध चल रहे थे श्री हजूर साहब। तो मैनू नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान या महाराष्ट्र कोई सिख नहीं लब्भा इन्हों जो कि प्रबंधक लगाया जा सके। यह तो सीधा ही है कि जिहड़ियां बाहर दीआं एजेंसियां ने या सिख विरोधी जिहड़ियां ताकतां ने वो सिख धर्म को तोड़न की या कमज़ोर करन की जिहड़ी कोशिश कर रही ने। तो मैं तो अपने सिख भरावां नूं भी अपील करांगी कि जद भी कोई इदां दा मसला हुंदा असी राजनीतिक धड़ियां तो धार्मिक धड़ियां तो बाहर निकल के आईए अपनी आवाज़ एकजुट होकर बुलंद करिए क्योंकि साडे नाल लगातार ही कुछ ना कुछ विरोधता दे विच ऐ शक्तियां करन की कोशिश कर रही ने चाहे असी बहुत सारे इदां दे मुद्दे हैगे चाहे असी हरियाणा की गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल कर लीए चाहे असी हुण जगदीश टाइटलर की गल कर लीए। सानू लगा सी एक उम्मीद सी एक किरण सी कि 84 दे विच जो होए बेइंसाफ है कि शायद उसका इंसाफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट वालों पर सानू वो भी नहीं मिलिया वो भी तुसी देखो कि उस दे विच भी फिर जो सेंटर च भी साडे वीर बैठे है किसी ने आवाज़ नहीं चक्की जिहड़े इधर भी बैठे किसी ने आवाज़ नहीं चक्की मतलब जिथे सानू इकट्ठिया होने की लोड़ है उत्थे ते सिख इकट्ठे हो जाण। मैं तो आही अपील करांगी सारे अगे जी। देखो जी जिहड़े तख्त श्री हजूर साहब के एक गैर सिख नूं जो है उत्थों दे बोर्ड का मैंबर बनाना अज उस चीज़ के अगेंस्ट इत्थे प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिख स्टूडेंट फैडरेशन गरेवाल वालों और इस्त्री अकाली दल वालों। गल इत्थे इवें है कि असी सारे धर्मां की बराबर इज्जत करते हैं पर गल यह होंदी है कि जो सिख सिद्धांत ने जे असी गल करिए कि 25 सितंबर 1956 तो जो एक नोटिफिकेशन हजूर साहब दे जारी होया सी बोर्ड दे विच उहदी अमेंडमेंट करके तो इन्होंने मतलब कानून दीआं जिहड़ीआं तज्जियां उड़ाईआं गईआं मतलब कोई कानून नहीं है कोई चुनाव नहीं है कि असी किसी नूं भी चुक के प्रबंध दे दईए। गल अज इत्थे हैगी कि सिख सिद्धांतां दे नाल जिहड़ीआं बाहरलीआं शक्तियां ने सिख विरोधी शक्तियां अज सिखां नूं तोड़न की कोशिश कर रही सिख सिद्धांतां नाल छेड़छाड़ कर रही उसके विरुद्ध असी अज एक आवाज़ बुलंद की है कि असी यह चीज़ बर्दाश्त नहीं करांगे कि सिख धर्म के नाल या सिख सिद्धांतों के नाल जो छेड़छाड़ की जाए। जे असी गल करिए अज असी राम मंदिर की गल कर लीए जे राम मंदिर के विच किसी सिख नूं तुसीं प्रबंधक अपॉइंट कर देंदे हो कि उस जिहड़े हिंदू जिहड़े सिद्धांत ने उन्हां नूं फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इवें ही सेम सिखां दे भी सिद्धांत ने जिथे अगर तुसीं किसी गैर सिख नूं करदे हो अपॉइंट तो उन्होंने सिख सिद्धांतों बारे कोई नॉलेज नहीं है वो मतलब वो प्रबंध किवें चलणगे। उस तो पहले जिहड़े प्रबंध चल रहे थे बे मतलब बखूबी प्रबंध चल रहे थे चाहे असी एस पी सिंह जी की गल कर लिए बहुत वधिया प्रबंध चला रहे थे चाहे असी पशरीचा जी की गल कर लिए बहुत वधिया प्रबंध चल रहे थे श्री हजूर साहब। तो मैनू नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान या महाराष्ट्र कोई सिख नहीं लब्भा इन्हों जो कि प्रबंधक लगाया जा सके। यह तो सीधा ही है कि जिहड़ियां बाहर दीआं एजेंसियां ने या सिख विरोधी जिहड़ियां ताकतां ने वो सिख धर्म को तोड़न की या कमज़ोर करन की जिहड़ी कोशिश कर रही ने। तो मैं तो अपने सिख भरावां नूं भी अपील करांगी कि जद भी कोई इदां दा मसला हुंदा असी राजनीतिक धड़ियां तो धार्मिक धड़ियां तो बाहर निकल के आईए अपनी आवाज़ एकजुट होकर बुलंद करिए क्योंकि साडे नाल लगातार ही कुछ ना कुछ विरोधता दे विच ऐ शक्तियां करन की कोशिश कर रही ने चाहे असी बहुत सारे इदां दे मुद्दे हैगे चाहे असी हरियाणा की गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल कर लीए चाहे असी हुण जगदीश टाइटलर की गल कर लीए। सानू लगा सी एक उम्मीद सी एक किरण सी कि 84 दे विच जो होए बेइंसाफ है कि शायद उसका इंसाफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट वालों पर सानू वो भी नहीं मिलिया
वह भी तुसी देखो कि उसे विच भी फिर जो सेंटर च भी साढ़े वीर बैठे है किसी ने आवाज़ नहीं चक्की, जेडे इधर भी बैठे किसी ने आवाज़ नहीं चक्की, मतलब जिथे सानू इकट्ठिया होने की लोड़ है उत्थे ते सिख इकट्ठे हो जाए। मैं तो आही अपील करांगी सारे अगे जी। देखो जी जिहड़े तख्त श्री हजूर साहब के एक गैर सिख नूं जो है उत्थों दे बोर्ड का मैंबर बनाना, अज उस चीज़ के अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिख स्टूडेंट फैडरेशन गरेवाल वालों और इस्त्री अकाली दल वालों। गल इतने इवें है कि असी सारे धर्मां की बराबर इज्जत करते हैं, पर गल यह होंगी है कि जो सिख सिद्धांत ने, जे असी गल करिए कि 25 सितंबर 1956 तो जो एक नोटिफिकेशन हजूर साहब दे जारी होया सी बोर्ड दे विच अमेंडमेंट करके, तो इन्होंने मतलब कानून दिया जिहड़ियां तज्जियां उड़ाइया गई, मतलब कोई कानून नहीं है, कोई चुनाव नहीं है कि असी किसी भी चुक के प्रबंध दे दिए। गल अज इत्थे हैगी कि सिख सिद्धांतां दे नाल जिहड़ियां जिहड़ियां बाहरलियां शक्तियां ने, सिख विरोधी शक्तियां अज सिखां नूं तोड़न की कोशिश कर रही, सिख सिद्धांतां नाल छेड़छाड़ कर रही, उस दे विरुद्ध असी अज एक आवाज़ बुलंद की है कि असी यह चीज़ बर्दाश्त नहीं करांगे कि सिख धर्म के नाल या सिख सिद्धांतां दे नाल जो छेड़छाड़ की जाए। जे असी गल करिए अज असी राम मंदिर की गल कर लीए, जे राम मंदिर दे विच किसी सिख नूं तुसी प्रबंधक अपॉइंट कर देंदे हो कि उस जिहड़े हिंदू जिहड़े सिद्धांत ने उन्हां नूं फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इवें ही सेम सिखां दे भी सिद्धांत ने, जिथे अगर तुसी किसी गैर सिख नूं करदे हो अपॉइंट तो उन्हूं सिख सिद्धांतों बारे कोई नॉलेज नहीं है, वो मतलब वो प्रबंध किवें चलणगे, उस तो पहले जिहड़े प्रबंध चल रहे सी मतलब बखूबी प्रबंध चल रहे सी, चाहे असी एस पी सिंह जी की गल कर लिए बहुत वधिया प्रबंध चला रहे सी, चाहे असी पशरीचा जी की गल कर लिए बहुत वधिया प्रबंध चल रहे सी श्री हजूर साहब। तो मैनू नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान च या महाराष्ट्र च कोई सिख नहीं लब्भा इन्हां नूं जो कि प्रबंधक लगाया जा सके। यह तो सीधा ही यह है कि जिहड़ियां बाहर दियां एजेंसियां ने या सिख विरोधी जिहड़ियां ताकतां ने उह सिख धर्म नूं तोड़न दी या कमज़ोर करन दी जिहड़ी कोशिश कर रही ने। तो मैं तो अपने सिख भरावां नूं भी अपील करांगी कि जद भी कोई इदां दा मसला हुंदा असी राजनीतिक धड़ियां तो धार्मिक धड़ियां तो बाहर निकल के आईए, अपनी आवाज़ एकजुट होकर बुलंद करिए, क्योंकि साढ़े नाल लगातार ही कुछ ना कुछ विरोधता दे विच है शक्तियां करन दी कोशिश कर रही ने, चाहे असी बहुत सारे इदां दे मुद्दे हैगे, चाहे असी हरियाणा की गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल कर लिए, चाहे असी हुण जगदीश टाइटलर की गल कर लिए, सानू लगा सी एक उम्मीद सी एक किरण सी कि 84 दे विच जो होए बेइंसाफ है कि शायद उसका इंसाफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट वालों, पर सानू वो भी नहीं मिलिया। वो भी तुसी देखो कि उसे विच भी फिर जो सेंटर च भी साढ़े वीर बैठे है किसी ने आवाज़ नहीं चक्की, जेडे इधर भी बैठे किसी ने आवाज़ नहीं चक्की, मतलब जिथे सानू इकट्ठिया होने की लोड़ है उत्थे ते सिख इकट्ठे हो जाए। मैं तो आही अपील करांगी सारे अगे जी। देखो जी जिहड़े तख्त श्री हजूर साहब दे एक गैर सिख नूं जो है उत्थों दे बोर्ड का मैंबर बनाना, अज उस चीज़ के अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिख स्टूडेंट फैडरेशन गरेवाल वालों और इस्त्री अकाली दल वालों।